shell, spherical shell, solid charged sphere, uniform charge density, linear charge, uniform charge density, thin sheet, thick surface and between the sheets, field intensity find karna. Ye part ho gaya. हाँ एकेडमिक्स वाला पार्ट पूरा हो गया. एकेडमिक्स में फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना जो भी क्वेश्चन आएगा उतने ही से आएगा. ठीक है. हाँ सीट्स में भी दो सीट्स पे ही क्वेश्चन आया है आज तक, तो एकेडमिक्स में उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है. क्वेश्चन लिखेंगे अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आ रहे हैं. लिखना है फाइंड फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड field intensity inside and outside a solid charged sphere. Find field intensity inside and outside a solid charged sphere of radius r. Solid charged sphere of radius r, capital R use karenge ab. And charge density rho is equal to AR to the power n. Rho is equal to AR to the power n, where A is constant. Where A is constant. And R is the radial distance from center. R is the radial distance from center. ये similar question IIT में integer type में आया हुआ है. They have given AR. मैंने लिया है AR to the power n. तो जो question previous year का है, अब जब आप try करेंगे ना, तो replace n with what? One. N को one से replace करना है, आपका solution आ जाएगा. ठीक है? तो इनसाइड एंड आउटसाइड वी हैव टू गेट फील्ड इंटेंसिटी. इट इज अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ व्हाट रेडियस? कैपिटल आर. इट मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एंड वी हैव गिवन चार्ज डेंसिटी व्हाट? रो. इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ फील्ड. कल मैंने आपको जो है इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए स्फीयर के लिए एक ट्रिक दिया था. For A inside, we have in into dA that is equal to 1 by epsilon naught. In place of Q in, we have what? Rho into 4 pi r square dr. Spherical mat is fixed. It is from 0 to what? R. Here the value of Q in is integration rho 4 pi r square dr, limit will be from 0 to r. ये बताया था मैंने. जब भी spherical हो enclosed charge के लिए formula is what? 1 by epsilon naught into q in. Q in की जगह we have to take this value. Now see A in dA integral. मैंने बताया था spherical में E और dA दोनों का एक ही direction होता है. Theta is always what? जीरो. थीटा हमेशा ही जीरो होता है. थीटा इज ऑलवेज जीरो. इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और रो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो हियर? ए आर एन. इन प्लेस ऑफ रो वी हैव ए आर एन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. यूरोटोप में या क्रोटोप में जितने भी क्वेश्चन है स्फेरिकल के, वो सारे क्वेश्चंस जो है इसी से सॉल्व होंगे. मीन्स रो का वैल्यू उन्होंने चेंज कर रखा है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको यही यूज़ करना है. रो का वैल्यू आप चेंज करने, यहाँ मैंने क्या लिया है ए आर एन, वहाँ जो कुछ भी दिया हुआ है आप वो वैल्यू पुट करेंगे, बाकी तो इंटीग्रेशन का लिमिट आपको चेंज यूज़ करना है. यूरोडो के जितने भी क्वेश्चन है सारे ही से हो जाएंगे स्फेयर वाले, और इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे सिलेंडर वाला और फिर कैविटी वाले क्वेश्चन कुछ लेंगे. क्या देखिए व्हाट वी गेट इन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. मैंने डी ए इंटीग्रेशन क्या बताया था? ये बताया था प्रीवियस क्लास में इंटीग्रेशन डी ए. इट इज द एरिया ऑफ व्हाट? गॉसियन सरफेस. स्ट्रिक्टली गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है.
तो गॉसियन सरफेस के लिए इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. मान लीजिए कि वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस व्हाट आर. तो दिस स्फीयर इज व्हाट, गॉसियन सरफेस. तो किसका आप एरिया लेंगे, इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, स्फीयर का एरिया नहीं लेना है. इट इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको आउट कर लिया, 4 पाई a डिवाइडेड बाई व्हाट, इंटीग्रेशन का लिमिट आ गया r टू दी पावर n प्लस टू डी आर. कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम जीरो टू r, 4 पाई और 4 पाई गया, ये n इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे जो है लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, r टू दी पावर n प्लस थ्री डिवाइडेड बाई व्हाट, n प्लस थ्री, यही होगा ना. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए आर टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई व्हाट, एन प्लस थ्री. एप्सिलॉन भूल गए ना हम, तो यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन, और यहाँ भी क्या होगा एप्सिलॉन. अब आईआईटी में जो क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ उन्होंने लिया था रो इज इक्वल टू ए आर, तो एन की जगह क्या है वन, तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा ए आर वन प्लस वन, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, वन प्लस थ्री, तो 4 एप्सिलॉन. समझ में आ गया. हाँ अब यूज है आउटसाइड में कैपिटल आर का यूज होगा. हाँ क्या पूछ रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 पाई आर स्क्वायर. देखिए इंटीग्रेशन डी ए इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस जो है स्फेयर है, तो उसके लिए क्या बताया था स्फेरिकल, और इस स्फेयर का रेडियस इज व्हाट आर, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, दैट्स वाई. हाँ जीरो टू आर, बिकॉज वी हैव टू टेक द चार्ज इन साइड द वर्ड स्फेयर, तो गॉसियन स्फेयर के अंदर का ही चार्ज ले रहे हैं ना. क्यू इन का मतलब होता है चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, ये वाला. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, जीरो से स्मॉल आर. हाँ लेकिन जब एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट में तो चार्ज बाहर है नहीं, तो वहाँ पे लिमिट क्या होगा आपका, जीरो टू कैपिटल आर, मीन्स यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ व्हाट, द स्फीयर ओनली. ठीक है, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, वो एक बार और फिर डिस्कस कर लूँगा. तो यहाँ पे जो है ये आपका है इनसाइड के लिए लिमिट वी हैव टू टेक जीरो टू स्मॉल आर, और आउटसाइड के लिए जीरो टू कैपिटल आर, क्योंकि जो है आप स्फीयर से बाहर जा रहे हैं, स्फीयर से बाहर तो चार्ज है नहीं, तो वहाँ पे लिमिट आपको जीरो टू कैपिटल आर यूज़ करना है. एंड इफ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, तो सी इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ई आउट डी ए, यहाँ ए एन डी ए है, वहाँ क्या है ई आउट डी ए, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ क्यू इन. नाउ हियर वी हैव टू टेक द लिमिट व्हाट, जीरो टू कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर से बाहर का चार्ज तो है नहीं कुछ, स्फीयर के अंदर का चार्ज मीन्स दिस वन इज सपोज द एक्सटर्नल पॉइंट, इट इज एक्सटर्नल पॉइंट हियर, आर इज ग्रेटर देन व्हाट आर, इसके लिए गॉसियन सरफेस ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब इस गॉसियन सरफेस के लिए आप कौन सा चार्ज लेंगे, इस स्फीयर का ही चार्ज लेंगे ना. यहाँ तो ये गॉसियन सरफेस था, तो सिर्फ इसके अंदर का चार्ज लेना है, बाहर वाले का चार्ज नहीं लेंगे. इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए तो पूरा का पूरा स्फीयर इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो लिमिट्स क्या यूज करेंगे आप, जीरो टू कैपिटल आर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, व्हाट वी गेट, ई आउट इंटीग्रल डी ए, कॉन्स्टेंट्स को आउट कर लिया आपने, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज रो, ए आर एन आर स्क्वायर डी आर, लिमिट क्या है कैपिटल आर, ई आउट डी ए, डी ए इज स्ट्रिक्टली व्हाट एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एरिया वी हैव टू टेक, इट इज स्मॉलर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस लिखा है ना, इंटीग्रेशन डी ए इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 4 पाई बाई, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया हमने, यहाँ क्या हो जाएगा, एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, लिमिट विल बी टेकन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हुआ, ये
then what we get, E out is equal to E by epsilon naught r square. Yaha limit use kiya humne, it is r to the power n plus 3 divided by what, n plus 3. Your answer is what, E out is equal to r n plus 3 divided by what, n plus 3 epsilon naught into r square. C out is inversely proportional to r square. और यहाँ पे n क्या है, n is directly proportional to r to the power n plus. इसमें E out dA integral, it is what, area of the Gaussian surface. What is the radius of Gaussian surface here? Smaller. Capital R is the radius of the solid sphere. And small r is the radius of the Gaussian surface. जब inside लिया तब भी r लिया है. Inside के लिए r is less than what? In this case r is less than capital R. And for external Gaussian surface small r is greater than what? Capital R. दोनों ही general distance हमने r लिया है. जब inside है तो distance r is less than capital R. और जब आप Gaussian surface के जब sphere के बाहर है तो small r is greater than what? Capital R. जैसे ये देखिए ना, ये सॉलिड स्फीयर लिया है ना हमने, इसका रेडियस इज आर, एक इंटरनल पॉइंट है पी इन, यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस लिया हमने, दिस स्मॉल आर इज लेस देन व्हाट, कैपिटल आर. और इफ वी कम टू द एक्सटर्नल पॉइंट पी, इट इज पी आउट, तो इसके लिए अगर देखें आप गॉसियन सरफेस ये है तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो व्हाट, आर, बट हियर आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर. इनसाइड के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. इट इज द सॉलिड स्फीयर, ये पूरा सॉलिड स्फीयर था है ना. वन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है और एक्सटर्नल के लिए इट इज दिस द गॉसियन सरफेस, तो इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए कौन सा चार्ज लेंगे आप, सिर्फ ये वाले चार्ज को इंक्लूड करेंगे आप. और बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए कौन सा चार्ज लेना होगा, बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए तो पूरा का पूरा स्फीयर ही इनसाइड द गॉसियन सरफेस ना, इसलिए पूरे स्फीयर का ही चार्ज लेना होता है. तो स्फीयर का रेडियस इज व्हाट, आर, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द लिमिट जीरो टू आर. ठीक है, इन में जीरो टू स्मॉल आर और आउट में जीरो टू कैपिटल आर. ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैंने, आप लोग थे नहीं, तो जो लोग नहीं थे उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, जब एक बार रिवाइज करवाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा पूरा. सरफेस पे अगर फाइंड करना हो तो इन का फॉर्मूला हो या आउट का फॉर्मूला, स्मॉल आर को आप रिप्लेस कर दे कैपिटल आर से. ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर स्मॉल आर विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर. स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दे, सरफेस पे आ जाएगा रिजल्ट. स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन हो कहीं का भी, ठीक है, और यूरोडोव प्रोटोव वहाँ तक के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं गॉस थ्योरम से. कि गॉस थ्योरम का स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन हो कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा, ए इन डी ए, वन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन के लिए ये टर्म यूज़ किया जीरो टू स्मॉल आर, और आउट के लिए वी हैव टू यूज़ वर्ड जीरो टू कैपिटल आर आ जाएगा रिजल्ट. हाँ, ये एकेडमिक्स में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे, ये प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड अ सॉलिड चार्ज सिलेंडर, इनसाइड एंड आउटसाइड अ सॉलिड चार्ज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड चार्ज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर यूज करेंगे,
इनफाइनाइट लेंथ, रेडियस आर इनफाइनाइट लेंथ एंड गिवन चार्ज डेंसिटी, एंड गिवन चार्ज डेंसिटी given charge density, first part is A, rho is equal to rho naught, yahan jo charge density hai that is what constant, and second part rho is equal to A r to the power n, A r to the power n, where A is constant, where A is constant and r is the radial distance from A is constant and r is the radial distance from central axis. R is the radial distance from the central axis. Radial distance from the central axis. तो यहां पे जो सिलेंडर हमने लिया है दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन इट इज व्हाट आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर charge density is given that is what rho and the cylinder has infinite length aur idhar bhi kya hai infinity tak hai now if we have to get electric field intensity at any internal point maine internal external dono bola hai na yes sir ye p liya hai for this p r is less than what capital r and the other we have to get at the external point iske liye small r kya hai greater than capital r theek hai to cylinder ke liye gaussian surface kaisa hoga cylindrically hoga inside ke liye ye humne gaussian cylinder consider kiya it is the gaussian cylinder for what inside aur ek gaussian cylinder इस गॉसियन सिलेंडर में कौन सा चार्ज आप कंसीडर करेंगे यू हैव टू कंसीडर ओनली दिस चार्ज ये लेंथ क्या है सपोज एल है ना और जो एक्सटर्नल पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी हमने लिया इसके लिए भी गॉसियन सरफेस क्या होगा सिलेंड्रिकल ही होगा इट इज द गॉसियन सिलेंडर ही है यहां लेकिन आप कौन से चार्ज को इंक्लूड करेंगे जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर सिर्फ यही पार्ट ना तो यहां पे तो जो है सिर्फ ये वाले चार्ज को इंक्लूड करना होगा बाहर वाले चार्ज को तो आप नहीं ले सकते है ना समझ में आ गया तो यहां पे अगर आप क्यू इन देखें इस वाले पार्ट में क्यू इन चार्ज इंक्लोज वन बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इन चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस वी हैव टू टेक जो इस इंटरनल सिलेंडर का पार्ट है सिर्फ उसको ही कंसिडर करना है तो इसके लिए मैंने बताया था लिमिट वी हैव टू टेक व्हाट जीरो टू कैपिटल आर क्योंकि सिलेंडर का रेडियस इज व्हाट आर उससे बाहर तो चार्ज डेंसिटी है नहीं जीरो टू आर रो सिलेंडर इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल्स तो सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम मैंने कल बताया था आपको सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू पाई आर एल एल है लेंथ इनटू व्हाट थिकनेस डी आर थिकनेस का सेल लिया है तो वी हैव टू टेक टू पाई आर एल इनटू व्हाट डी आर तो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सिलेंडर का हो ऑफ एनी लेवल ठीक है इनसाइड आउटसाइड फाइंड करना हो आउटसाइड फाइंड करना हो क्यू इन विल बी जीरो टू आर रो टू पाई आर एल डी आर और अगर आपको इंटरनल के लिए फाइंड करना है क्यू इन तो लिमिट क्या बताया मैंने तो क्यू इन ईयर इज जीरो टू स्मॉलर
रो इन टू 2πrn। स्फेयर में वही क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर 4πr² dr 0 to r, और बाहर वाले के लिए रो 4πr² dr 0 to R। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इनसाइड एंड आउटसाइड पे वर्क करें। कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में ही दे दिया था, इनसाइड ए एंड बी, इनसाइड डी ए इज इक्वल टू 1 by epsilon naught 0 to r। क्यों इनका वैल्यू ये पुट करना है, रो इंटू 2πrl dr। इनसाइड डी ए सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 2πrl, दैट इज व्हाट 2πrl 1 by epsilon naught। रो की जगह वी हैव टू यूज व्हाट, फर्स्ट पार्ट में रो नॉट, तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लिया आपने, इट इज 2πρ0। इंटीग्रल क्या बचा, एल भी बाहर आ गया ना, आर डी आर फ्रॉम 0 to r, 2πL तो गया, 2πL इन इज इक्वल टू रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर आर डी आर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो यू गेट द रिजल्ट, इन साइड द सॉलिड स्फीयर, ये याद रहेगा, सॉलिड स्फीयर का था रो आर बाई 3εo, इसके लिए है रो आर बाई 2εo, अगर चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो ये भी क्वांटिटेटिव पार्ट का ही है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिया है, चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन डी ए का इंटीग्रल क्या लिया है, 2πrl इज इक्वल टू 1 by epsilon naught इन प्लेस ऑफ रो, वी हैव टू यूज वर्ड ARN इंटू 2πrl dr। कहाँ से कहाँ तक यूज किया, तो 2πl तो कैंसिल हो गया, तो वी गेट ए इन साइड इज इक्वल टू, यहाँ भी जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया आप, ए इज कॉन्स्टेंट ना, ए बाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dr इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to r। व्हाट वी गेट, ए इन साइड इज इक्वल टू ए बाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया, ए इन साइड इज इक्वल टू ए बाई n बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, r टू द पावर n प्लस, ये हो गया, ये इन साइड के लिए है, ठीक है। अब आउटसाइड में सिर्फ क्या करना है आपको, लिमिट 0 to R हो जाएगा ना। सिलेंडर का क्वेश्चन आज तक IIT में नहीं पूछा है, हाँ स्फीयर का तो जो आया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर में यूनिफॉर्म डेंसिटी का पूछा है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी पे कभी भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन, तो हो सकता है आज है, इसी बार आज है, हाँ कॉन्सेप्ट तो वही है यूज करना। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अगर हम आउटसाइड पे, आउटसाइड पे एक्सप्रेशन लिख दूँ चलेगा ना, पूरा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट, जब रो की जगह क्या है हमारे पास, रो नॉट, ई आउट इंटू 2πrl इज इक्वल टू 1 by epsilon naught, लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, 0 to r। रो की जगह क्या लेना है, रो नॉट 2πrl dr, ई आउट का वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में जाए, रो की जगह हमारे पास क्या है, AR^2 n, ये गॉसियन सरफेस का एरिया सिलेंडर के लिए ऑलवेज 2πrl हमेशा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही आता है, साइड वाला एरिया जो है वो आपका ई और डी ए का जो ये डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कॉस 90 होगी वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखिए, ई आउट इंटू अगेन 2πrl इज इक्वल टू 1 by epsilon naught 0 to r,
इन प्लेस ऑफ आर अब क्या पुट करना है, ए आर टू दी पावर एन 2πRL, इसको सिंप्लीफाई करेंगे गेट द वैल्यू ऑफ ई आउट दोनों पार्ट को, तो ये सिलेंडर का हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2πRL, स्पेयर है तो 4πR² ही आया था सिलेंडर के लिए 2πRL। यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस कितना है, आप सिलेंडर का ही चार्ज लीजिएगा ना, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है सिर्फ सिलेंडर है, तो वी हैव टेक द चार्ज ऑफ द सिलेंडर ओनली, बाहर तो कुछ है नहीं ना, चार्ज डेंसिटी तो नहीं है ना, जहां तक चार्ज है वहीं तक का लिमिट आप लगाइएगा ना। क्या चीज वो एरिया ईडीए का प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, वहां ई और डीए का जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो जीरो हो जाता है। सिलेंडर में बस एक चीज आप याद रखिए ना, सिलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, एक ट्रिक दे देता हूँ, अगर ई इन चाहिए तो ई इन इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1/ε0 जीरो टू आर रो इंटू 2πRL dr फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन हो इससे आ जाएगा। और जब भी आउट फाइंड करना हो तो ई आउट इंटू 2πRL इज इक्वल टू, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप डायरेक्टली यूज कीजिएगा, इतना आप डिराइव करने में लगा दीजिएगा ना टाइम, तो पता चलेगा 2-3 क्वेश्चन छूट गया। तो जब भी जो है आपको जो है सिलेंडर के लिए वर्क करना हो, इन के लिए इन इंटू 2πRL 1/ε0 ये चार्ज इनक्लोज का फॉर्मूला है 0 to R, एंड आउटसाइड के लिए इट इज 0 to R रो इंटू 2πRL dr, इट इज फॉर व्हाट सिलेंडर। और अगर स्फीयर के लिए फाइंड करना हो तो उसके लिए भी फिक्स्ड है, टाइम खराब नहीं करना है, स्फीयर के लिए क्या बताया है सॉलिड स्फीयर, इफ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एन एन इंटू 4πR², ठीक है, एरिया 4πR² है, 1/ε0 लिमिट 0 to R रो इंटू 4πR² dr, and for outside always use e out into 4πR² is equal to 1/ε0 rho into limit kya use karenge, to kahin ka bhi question ho cylinder ke liye inside outside ke liye ye wala aur sphere ke liye ye wala, iska basic concept maine previous class mein bataya hai ki why we have to take what area 4πR² or 2πRL, क्यों इन की जगह क्यों हम लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस क्लास में समझा दिया, उसको रिवाइज कीजिए आ जाएगा। सिलेंडर एंड स्फीयर, कोई भी सिलेंडर का क्वेश्चन हो इनसाइड आउटसाइड, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर के लिए वो वाला, ये ध्यान रखिएगा सॉलिड सिलेंडर, और ये वाला जो है किसके लिए है सॉलिड स्फीयर, यह हमेशा वर्क करेगा। Thank you.
See, this thick plate has infinite area and thickness for T. Charge density is given rho. So thick plate has infinite area. Area, thickness T. Thickness T and uniform charge density. Charge density is rho, it is positively charged. It is the central axial plane. जो इस plate का central axial plane है ना, वो जो है आपका जो है define किया हुआ है. और ये plate का एक part हमने consider किया है. ये plate तो infinite area का है. Thickness is T. तो thick plate has infinite area, thickness T and uniform charge density rho. Find in and E out. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड क्या है, आर इज लेस देन टी बाई टू. अगर ये पूरा थिकनेस टी है तो हाफ थिकनेस इज ओनली व्हाट, टी बाई टू. तो अगर आप इनसाइड द शीट ले रहे हैं तो आर विल बी लेस देन व्हाट, टी बाई टू. और आउटसाइड द शीट, अगर इस शीट से बाहर निकल गए आप तो आर विल बी ग्रेटर देन व्हाट, टी बाई टू. तो एक इनसाइड के लिए फील्ड फाइंड करना है और दूसरा आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहा, ठीक है. इसके लिए मैंने हिंट दिया है आपको प्रीवियस क्लास में, जो है ना वो प्लेट का जो है इनसाइड एंड आउटसाइड, चार्ज ही तो मेन है. ये होमवर्क के लिए है. हाँ, इसको ये कर लीजिए, कोई एक ले लीजिए, फिर जो है ये ट्रांसफर कर दीजिए. इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, नोट में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो. कोई भी यूनिफॉर्म वैल्यू होगा बट जीरो नहीं होगा, एंड नॉन जीरो. एक चार्ज्ड स्फीयर है, उससे एक स्फीयर को, छोटे स्फीयर को हमने रिलीज कर लिया. तो रिलीज किया तो यहां तो कैविटी जेनिट हो गया ना. सपोज द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, रो. तो इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट है जहां फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए. तो सपोज एट दिस पॉइंट वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फील्ड इंटेंसिटी. EP का वैल्यू चाहिए. EP इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम द सेंटर इट C1 है, सेंटर ऑफ द कैविटी इज सपोज व्हाट, C2. C1 से पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस व्हाट, R1. एंड फ्रॉम C2 पॉइंट P इज एट व्हाट डिस्टेंस, R2. तो इसमें करना क्या है, पहले तो देखना है कैविटी जेनेट कैसे हुआ. एक बिगर स्फीयर है, द बिगर स्फीयर हैज रेडियस व्हाट, आर. ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
और यहाँ एक पॉइंट पी है, पी इज एट ए डिस्टेंस व्हाट, आर वन, इट इज सी वन। इससे एक छोटे स्फीयर को रिलीज किया हमने, इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। अब इसका सेंटर क्या है, सी टू। अब ये वाला पॉइंट इसके भी इंटरनल पॉइंट है ना, पी, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आर टू। यहाँ चार्ज डेंसिटी इज रो एंड हियर ऑल्सो चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, रो। तो अगर फर्स्ट फील्ड से सेकेंड फील्ड को हम रिलीज कर दें तो हमारे कैविटी के अंदर फील्ड का वैल्यू आ जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि दो स्फीयर्स को हमने क्लब किया होता, ठीक है, वो आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंट ईयर्स में ही, मुझे लगता है 2012 या 13 में आया है। दो स्फीयर्स को इस तरीके से क्लब कर दिया और जो कॉमन पार्ट था वहाँ पे फील्ड का वैल्यू फाइंड करना था। तो अगर क्लब करेंगे तो क्या करना होगा, फील्ड्स को ऐड करना होगा, और रिलीज किया तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ग्रेविटी में भी हो सकता था, अगर ग्रेविटी में होता तो क्या आंसर होता। ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशन करवाए हैं ना, हर एक रिजल्ट में अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन को 1/4πg से जो है रिप्लेस कर देते हैं ना, तो आपका रिजल्ट किसका आ जाएगा, ग्रेविटी का आ जाएगा। तो ई पी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज इवन, इसके लिए इवन है माइनस, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई टू। मान लीजिए फर्स्ट स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ईयर इज इवन और सेकेंड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, ई टू। इवन माइनस ई टू करेंगे तो विल गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट, कैविटी। ई पी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लेना है, इज इक्वल टू इवन, सॉलिड स्फीयर का इनसाइड है, इंटरनल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है ये। इंटरनल का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कल ही डिस्कस किया था। सिलेंडर का रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, और स्फीयर का रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर वन वेक्टर डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस। सेकेंड के लिए वो भी तो इंटरनल है, डिस्टेंस क्या है, आर टू, टू गेट द रिजल्ट रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वन माइनस आर टू। टू वी गेट ए पी इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वन माइनस आर टू इज सी वन सी टू वेक्टर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स सी वन सी टू। कैसे आए बता देता हूँ, तो यहाँ सी वन सी टू क्या है, आर बाई टू ना, इट इज आर बाई टू। ये वैल्यू देखिए कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, रो इज कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल आर इज ऑल्सो वट, कॉन्स्टेंट। तो दिस रिजल्ट इज वट, जीरो है या नहीं है, मैंने क्या लिखवाया है, नॉन जीरो एंड कॉन्स्टेंट, यही लिखवाया है ना। अब C1 C2 R1 माइनस आर टी को C1 माइनस C2 कैसे लिखा है देखिए, दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, R2। आप यहाँ समझिए, वी कंसीडर दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को आप कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर दिस ट्राइंगल, इट इज C1 C2, इट इज वेक्टर R2, और ये वेक्टर क्या है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंसेज है। तो C1 C2 वेक्टर इज इक्वल टू C1 C2 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1। तो यहाँ पे ये हो गया ना, C1 C2 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1। तो C1 C2 का वैल्यू क्या हो गया, R1 माइनस R2। तो ये द वैल्यू इज व्हाट, कॉन्स्टेंट है, नॉन जीरो, ठीक है, ये डिराइव हो गया हमारा, ये नोट कर लीजिए। अब बस कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना है, ये डिराइव कल करवाया था सर। हाँ हाँ अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन अगर ग्रेविटी का होता, एक सॉलिड स्फीयर है, मास डेंसिटी इज डिफाइंड रो, और इसके अंदर एक कैविटी जेनेट किया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द कैविटी वी हैव टू गेट, तो ई विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, ई जी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, रो एज इट इज रहेगा, इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी हैव टू पुट व्हाट, 1/4πg। सिंप्लीफाई करें वो ग्रेविटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो कोरिलेशन बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में, रो रो ही रहेगा, एक में चार्ज डेंसिटी है, दूसरे में मास डेंसिटी है, और एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करना है, 1/4πg से, तो ग्रेविटी का केस में आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ग्रेविटी का होता है ना,
ये लिख भी देता हूँ, तो इन केस ऑफ ग्रेविटी एप्सिलॉन में अभी रिप्लेस बाय व्हाट, 1 पाई 4 पाई जी। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, रो बाई 3 1 बाई 4 पाई जी आर बाई 2। ये ग्रेविटी का रिजल्ट है। जितने भी फॉर्मूले करवाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबको आप ग्रेविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिलेंडर वाला करवाया। अच्छा एक अजीब क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि अर्थ का सरफेस पे हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं, और ओवर द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट तो क्या यूज़ करते हैं हम, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही यूज़ करते हैं ना, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर अर्थ जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता ऑफ रेडियस आर एंड इनफाइनाइट लेंथ, तब उसके सरफेस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता। अगर इस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसा अर्थ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो कि रिजल्ट क्या होता, तो आप फिर कैसे सॉल्व करते। ग्रेविटी में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी मैंने सॉलिड सिलेंडर का इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करवाया है ना, तो इनसाइड द सिलेंडर द फॉर्मूला वाज व्हाट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रो ही रह जाएगा, स्मॉल आर की जगह वी हैव टू यूज द रेडियस ऑफ अर्थ जो भी होता, डिवाइडेड बाई 2। एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करते हैं, 1 बाई 4 पाई जी से। तो फॉर्मूला किसका आ जाता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी गॉस थ्योरम में आपने क्वेश्चंस किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, सबको आप ग्रेविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बस आपको एप्सिलॉन को किस में कन्वर्ट करना होगा, 1 बाई 4 पाई जी से। ठीक है, बस होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, ये पढ़ नहीं अभी करवाना है। हाँ ठीक है ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। C1, C2, P1, C2, C3, P4, P5. जहाँ भी कैविटी जेनरेट किया है तो कॉन्सेप्ट वही यूज़ करना है, इनसाइड में इनसाइड वाला फार्मूला और आउटसाइड में आउटसाइड वाला फार्मूला। इससे एक सॉलिड स्फीयर है, इससे एक छोटे स्फीयर को हमने रिलीज कर दिया है, और जो है कुछ पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। इन पॉइंट्स पे वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे बताया तो मैं, जैसे देखिए ये C2 दोनों का क्या है, इंटरनल पॉइंट है, EC1 एंड EC2। C1 बड़े वाले स्फीयर का तो सेंटर है, और छोटे वाले स्फीयर का क्या है, सरफेस है। अगर आप C2 पे जाएं तो जो जिससे स्फीयर को रिलीज किया है उसका सेंटर है, लेकिन बिगर स्फीयर का क्या है, वो इंटरनल पॉइंट है। P1 पे अगर हम जाएं तो दोनों का जो है वो कॉमन पॉइंट है, दोनों का सरफेस है। P3 पे अगर हम जाएं तो इसका सरफेस है लेकिन दूसरे के लिए क्या है, एक्सटर्नल है। P2 पे जाएं तो इनर स्फीयर का क्या है, वो सरफेस है लेकिन बड़े वाले स्फीयर का क्या है, इंटरनल है। P4 पे जाएं दोनों का क्या है, आउटसाइड है। P5 पे जाएं बड़े वाले स्फीयर का
सरफेस है और छोटे वाले स्फीयर का बाहर है। हाँ बस फॉर्मूला यूज करते जाना है, ई1 और ई2 का वैल्यू फाइंड करना है, यूज ई1 माइनस ई2 वेक्टर, बस इतना ही करना है। जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, ये हर जगह यूज होगा। ईपी इज इक्वल टू ई1 माइनस ई2। बाहर वाले के लिए फार्मूला डिफरेंट है ना, इंटरनल का ये फार्मूला है, इट इज फॉर इनसाइड, और आउटसाइड के लिए रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये लीजिए हिंट, ए इनसाइड द स्फीयर, द फार्मूला इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड ई आउटसाइड द स्फीयर, द फार्मूला इज रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हिंट दे दिया। तो जिसका इंटरनल इंटरनल वाला फार्मूला, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला फार्मूला, और सरफेस पे क्या करना होता है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ से सरफेस पे आ रहे हैं तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ दोनों जगह अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे ना, तो फार्मूला जो है कॉमन आ जाएगा, एक ही फार्मूला आएगा। तो सरफेस के लिए स्मॉल आर विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर। राइट साइड सबने कर लिया है नोट, ये वाला साइड ये मिटाऊं। ऐसा बात नहीं, सेट इज अ थिक सेट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, ठीक है। एरिया इज व्हाट, इनफाइनाइट एरिया करवाया, अभी दिया था ना होमवर्क के लिए क्वेश्चन, एंड इट इज द सेंट्रल एक्सिस। चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड, चार्ज डेंसिटी इज रो, ये नोट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन लिख लेना है। देखिए, फ्रॉम अ थिक शीट, फ्रॉम द गिवन थिक शीट ऑफ थिकनेस टी, ये तो क्वेश्चन अभी फ्रेम किया है मैंने। हाँ, इसमें जो है थिक शीट है, उसके अंदर से एक स्फेयर को रिलीज किया है और एक सिलेंडर को रिलीज किया है, और डिफरेंट पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। इन पॉइंट्स पे जो है आपको फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बुक के अंदर खोजने का जरूरत नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ये अभी बनाया है, लिखना है। फ्रॉम द गिवन थिक शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, फ्रॉम द गिवन थिक शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, an uniform charge density rho, from the given thick sheet of infinite area and uniform charge density rho, uniform charge density rho, a solid charged sphere, a solid charged sphere and a cylinder of infinite length, and a cylinder of infinite length have been removed, find electric field intensity at points C. C क्या है यहाँ पे, it is the center of sphere,
एट पॉइंट सी पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर एंड पी फाइव. पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर एंड पी फाइव. हाँ हाँ, तो रेडियस को देख के पता लग रहा है ना. दिस लाइन इज व्हाट द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल प्लेन है जो इसके एक्सिस से पास कर रहा है. तो रेडियस क्या हो जाएगा, टी बाई फोर. दोनों का, सिलेंडर का रेडियस इज टी बाई फोर और उसका भी रेडियस क्या है, टी बाई फोर. और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये. ये सॉलिड स्फीयर्स है. वन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. इसके बाहर जो लेयर है ना वो नेगेटिव है. दिस पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज और ये वाला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये कुछ पॉइंट्स डिफाइंड है, पी वन, पी टू, पी थ्री. इन पे जो है आपको फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन है. कंडीशंस बता देता हूँ. रो इज इक्वल टू ए आर, ये कंडीशन है. आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट, ए. मीन जीरो से ए तक रो का वैल्यू क्या है, ए आर. एंड रो इज इक्वल टू माइनस ए आर स्क्वायर, इट इज फ्रॉम आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट, बी. मीन्स यहाँ से यहाँ तक ए आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस ए आर स्क्वायर है. इनर स्फीयर जो है आपका पॉजिटिव है और आउटर स्फीयर क्या है, नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी वन पे फाइंड करना है, पी टू पे फाइंड करना है और पी थ्री पे फाइंड करना है. पी थ्री का चार्ज तो जो है पूरे स्फीयर का जो चार्ज होगा, हाँ प्लस माइनस स्क्वायर करना होगा, है ना. चार्ज इनक्लोज्ड, आप चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबको ऐड करना है, लेकिन है कि यही चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा. अब जो है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसका एक पार्ट आईआईटी में आया हुआ है ऑलरेडी इंटीजर टाइप में, ठीक है. वो यहाँ पॉइंट था या इस साइड पॉइंट था वो देख लीजिएगा. वो तो कॉन्सेप्ट बता दिया, कहीं भी पॉइंट हो कर लीजिएगा. और ये दोनों क्वेश्चन जो है आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है. जो भी ग्रुप है ना, अभी तक जो है क्वेश्चन जो भेजे हैं उनका सॉल्यूशन आया है नहीं. हाँ तो दिनेश से करवाते हैं, क्या करेंगे, नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए. सही जगह भेजिए. आप लोगों के भी क्लास में जो टॉपर्स हैं उनको जो है प्रोजेक्ट कीजिए. स्कूल में जो टॉपर्स है ना, तो ये फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है दोनों ही. तो ये वाला फिर भी सिंपल है, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है. वो नया दिखता है तो इसलिए ट्रिकी लगता है, ऐसा है नहीं कुछ, आप कर सकते हैं, ठीक है. नहीं ये तो करवाऊंगा तो फिर से रिपीट होगा पूरा, ठीक है. कॉन्सेप्ट पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट वहाँ पूरा ही करवाऊंगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है. अभी जो ये लेक्चर था ना, लास्ट लेक्चर, ये प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था. इसमें से कोई भी क्वेश्चन एकेडमिक्स में नहीं आएगा, ठीक है.